दफा के ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो जिसपे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी, क्योंकि ये झूठ का पलंदा है। सर आपने कचरा बताया अभिभाषण को, कचरा क्यों लगता है? ये कचरा है किसान के विरोध से, जो इन्होंने सारा साल किया उसको कम से कम महामहिम पढ़ के तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में, राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। ये कोई तरीका है? असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया, और फिर जो इसमें लिखा है सब झूठ है। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने चर्चा करनी हो तो सारा बैठ के भी बहुत है, सुबह ही उन्होंने। अरे एक बार मुख्यमंत्री बताएं, गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में ये डॉक्यूमेंट? क्या लगता है सरकार कुछ बातें झूठ के पुलिंदा नहीं चलेगा, महत्व की बातें तो कहीं हो ही नहीं रही है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया? डीजल का रेट कहाँ चला गया? गैस का रेट कहाँ चला गया? राशन आज महंगा हुआ है, और बेरोजगारी कहाँ चली गई? आउटसोर्स की फर्जी भर्तियाँ की जा रही है। अरे झूठा पुलिंदा क्यों पढ़ना है? अरे भाई पहले दिन ही झूठ बोला जा रहा है। आप ये पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ना तो चाहिए। हमने क्या मांग की? किसको पढ़ो, यहाँ रखो इसको। सर ऐसे माहौल में अब क्या चर्चा हो पाएगी जिन मुद्दों को लेकर? जो अभिभाषण था उसको पूरा नहीं पढ़ा। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगी विपक्ष के पास उन सब को जो इस्तेमाल किया जाएगा। और जो मैन हैंडलिंग हुई है सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैन हैंडलिंग पुलिस कर्मियों ने की है, भाजपा के मंत्रियों ने, पुलिस ने। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी बढ़ गया, कोरोना में भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्रियां, किसी का जिक्र नहीं है। मुकेश जी गवर्नर भागे, पहली दफा हुआ हिमाचल प्रदेश में विरोध का। कह रहे थे कि गवर्नर इसको पढ़ के जाए, हुआ किसी असेंबली में, किसी पार्लियामेंट में कि गवर्नर ने डॉक्यूमेंट ना पढ़ाओ? ऐसा कभी हुआ है? गवर्नर नहीं पढ़ सका इसलिए इस डॉक्यूमेंट को, इस कचरे को, इसलिए भागा गवर्नर। जो उपलब्धियां गिनाई जा रही थी सर उसको कैसे देखते हैं? उपलब्धियां झूठ का पुलिंदा, झूठा पुलिंदा नहीं चलेगा, झूठा पुलिंदा नहीं चलेगा। धक्का मुक्की जैसी नौबत आई है, अब अगली रणनीति।